और अब बात झारखंड के सिंहभूम की। यहाँ के पहाड़ों पर महुआ की जगह चुनावी खुशबू घूमने लगी है। फुटपाथ की दुकान से लेकर चाईबासा के मॉल तक में चुनावी चर्चा परवान पर है। तीसरी बार यहाँ मैदान में उतरी बीजेपी की गीता कोड़ा को केंद्र की योजनाओं का सहारा है। वहीं क्षेत्र की सभी 6 विधानसभा सीटों पर INDIA गठबंधनों के विधायकों का होना जामुमो की जोभा मांझी को मजबूत बना रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बदल रही सिंहभूम की राजनीति, महुआ की जगह घुलने लगी चुनावी खुशबू, नक्सलीगढ़ में लोकतंत्र की आवाज बुलंद, सिंहभूम में मुकाबला रोमांचक, जंगलों में पलाश के पेड़ों से झड़ते फूल की जगह अब लोकतंत्र के हरे पत्ते आकार लेने लगे हैं। क्षेत्र में महुआ की जगह अब चुनावी गंध का जोर है। फुटपाथ की दुकान से लेकर चाईबासा के मॉल तक में चुनावी चर्चा परवान पर है। पिछले 2 चुनाव नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी वोट प्रतिशत बेहतर रहा। तीसरी बार यहां मैदान में उतरी भाजपा की गीता कोड़ा और केंद्र की योजनाओं का सहारा है। वहीं क्षेत्र की सभी 6 विधानसभा सीटों पर INDIA गठबंधन के विधायकों का होना झामुमो की जोभा मांझी को मजबूत बना रहा है। नक्सलीगढ़ में बुलंद हो रही है लोकतंत्र की आवाज। सिंहभूम देश की उन चुनिंदा सीटों में शामिल है जहां कांग्रेस को अपने स्वर्णकाल में भी जीत का स्वाद चखने को नहीं मिला था। अब लोकतंत्र की ताकत नजर आ रही है। सिंहभूम के सर्वाधिक नक्सल प्रभावित गोइलकेरा, टोंटो और खंडपानी इलाकों में धमाकों की आशंकाओं के बीच लोकतंत्र जिंदाबाद दिख रहा है। सुखद ये भी है कि मुफलिसी के बीच जी रहे आदिवासी वोटर भी रोजगार से लेकर पहाड़ों पर स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं। इन सब के बीच यहां हर रोज हार जीत का समीकरण बदल रहा है, लिहाजा सिंहभूम सीट पर मुकाबला रोमांचक हो गया है। यहां मैदान में उतरी भाजपा की गीता कोड़ा और झामुमो की जोभा मांझी के सामने पति की विरासत को बढ़ाने और बचाने की चुनौती है। भाजपा की गीता कोड़ा तीसरी बार यहां से अपना भाग्य आजमा रही है। पिछले चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर भाजपा के लक्ष्मण गिलुआ को हराया था। उसके बाद 2014 में भाजपा के लक्ष्मण गिलुआ ने गीता कोड़ा को शिकस्त दी थी। 2009 में गीता कोड़ा के पति और झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा यहाँ से निर्दलीय जीते थे। गीता कोड़ा के लिए इसलिए भी ये सीट प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है। दूसरी ओर प्रदेश सरकार के मंत्री और मनोहरपुर के विधायक जोभा मांझी का कद भी बड़ा माना जाता है। एकीकृत बिहार में भी जोभा मांझी मंत्री रह चुके हैं। उनके पति देवेंद्र मांझी भी चक्रधरपुर और मनोहरपुर से विधायक रहे थे। उनकी हत्या के बाद जोभा मांझी भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा ने कहा, शहर से गांव तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना पहली प्राथमिकता होगी। अगले सत्र में मेडिकल कॉलेज में नामांकन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है, उम्मीद है पूरी हो जाएगी। इधर झामुमो प्रत्याशी जोभा मांझी के भी वादे हैं कि राज्य सरकार लगातार बेहतर काम कर रही है और गरीबों तक हर योजना पहुँच रही है, पलायन रोकने के उपाय किए जाएंगे। पलायन और विकास सिंहभूम का बड़ा मुद्दा है। जाति और समुदाय के ऊपर विकास जरूरी, पलायन को रोकना जरूरी, बच्चे के पढ़ने की व्यवस्था जरूरी, खदान और प्राकृतिक संसाधन का लाभ नहीं। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में यहां के वोट प्रतिशत बेहतर रहे हैं। सिंहभूम सीट पर 2014 में 66.70 और 2019 में 67.79% वोट पड़े थे। गोइलकेरा और टोटो जैसे नक्सल प्रभावित इलाकों में भी लोगों में अब जागरूकता है। लोगों का कहना है कि सब वोट डालेंगे। नक्सली पोस्टर लगा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, मगर डरेंगे नहीं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार भी यहां नक्सली गतिविधियां कम हुई है। कुल मिलाकर यहां वोटरों में उत्साह कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।